आप सब, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है कि मैं आज बताने वाली हूँ 10 ग्रूमिंग टिप्स के बारे में। तो ये वाला ग्रूमिंग टिप स्पेशली वुमेन के लिए है। तो बात ये होता है कि कभी कभी अपने डेली लाइफ में हम खुद के केयर करना भूल जाते हैं, वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमन हो या एक मदर हो, एज मदर हो, सारे चीज़ों के ख्याल रखते हुए हम खुद को ही भूल जाते हैं। बट ये 10 टिप्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप थोड़ी देर टाइम निकाल के ये वाले 10 टिप्स अपने लिए फॉलो करोगे रेगुलरली, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, आपके हेल्थ के लिए, आपके ब्यूटी के लिए, आपके वेलनेस के लिए, आपके हाइजीन के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देख लीजिए कौन से टिप्स के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। टिप नंबर 1, ओरल हेल्थ। आपको अपने ओरल हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने चाहिए। जैसे कि आप जब सुबह उठ के ब्रश करते हैं तो सिर्फ ब्रश मत कीजिए, ब्रश करने के साथ एक टंग क्लीनर भी यूज़ कीजिए, क्योंकि सारे जो गंदगी होता है, बैड स्मेल होता है ना, आपके जो ओरल से जो आते हैं वो ज़्यादातर आपके टंग से आते हैं, तो आपको ज़रूर ज़रूर टंग क्लीनर यूज़ करनी चाहिए। और अगर हो सके तो वार्म वाटर से अपने ओरल की वॉश करना चाहिए। आफ्टर ब्रशिंग आप वार्म वाटर से अपना ओरल का वॉश करना, मुँह धो लेना। ओके, आप वो वाले टिप्स भी फॉलो कर सकते हो जो मैंने बताया था ना, कि ऑयल से कूला करने के लिए, जैसे कि मैंने विश केयर का ऑयल आप लोगों को रिकमेंड किया था, तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा सा एक कोकोनट ऑयल, जो खाने वाला ऑयल्स होते हैं ना, कोई भी करो, विश केयर का भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं करती हूँ स्पेशली, तो आप वही कोकोनट ऑयल से कूला कर सकते हो, 3 टाइम्स करो, बस हो जाएगा। इससे आपके ओरल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। नंबर 2, बॉडी स्मेल। दिन भर भाग दौड़, जो लोग हाउसवाइफ है वो लोग ज़्यादातर टाइम अपने किचन में बिताते हैं या अपने बच्चों के पीछे बिताते हैं ऐसे, और जो लोग वर्किंग वुमेन है वो तो किचन में भी बिताते हैं, अपने बच्चों के पीछे भी बिताते हैं और बाहर भी काम करने जाते हैं। तो ये दिन भर भाग दौड़ में हो जाते हैं आपके बहुत ज़्यादा स्वेट, और इसके वजह से होते हैं आपके बॉडी स्किन पे डेड सेल्स। तो इसका ख्याल भी आपको रखना पड़ेगा, ताकि आपके बॉडी से कोई भी स्मेल ना आए या आपके बॉडी स्किन पे कोई भी डेड सेल्स ना आए। तो इसी के वजह से मैं रिकमेंड करूँगी कि आप वीकली एटलीस्ट 3 टाइम्स बॉडी स्क्रब का यूज़ करें। जैसे कि करेंटली मैं यूज़ कर रही हूँ एम कैफेन का बॉडी स्क्रब, बहुत सारे बॉडी स्क्रब मैंने रिकमेंड किया है, गुड वाइब्स का एक बहुत ही अफोर्डेबल बॉडी स्क्रब आते हैं अंडर 250, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं, कोई भी बॉडी स्क्रब, बट वीकली 3 टाइम्स आपको करना है। आप DIY भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि शुगर एंड टमाटर को एक साथ मिला के फिर उससे भी आप बॉडी स्क्रब कर सकते हो, बट डेड स्किन सेल्स आपके स्किन के ऊपर रहना नहीं चाहिए, उससे आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा स्मेल आते हैं और बैड स्मेल आते हैं। ओके, मैं कभी भी स्किन पे कोई भी डीओ या कोई भी तरह की परफ्यूम देना प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं खुद नहीं देती हूँ। कोई भी पाउडर दे सकते हो आफ्टर शावर, आप अंडर आर्म्स में पाउडर यूज़ कर सकते हो, या आप कोई भी लेमन की तरह, लेमन का फ्रेग्रेंस है ऐसे एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो। मैं करती हूँ गुड वाइब्स का एसेंशियल ऑयल, अल्स गुडनेस का भी एसेंशियल ऑयल जो लेमन फ्लेवर में है, तो उससे आपके बॉडी ओडर दूर रहते हैं, तो ये सब कर सकते हो। बट मैं डीओ, रोल ऑन, ये सारे चीज़ें ना मैं अंडर आर्म्स के स्किन में डायरेक्ट टच करना मैं पसंद नहीं करती हूँ, मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करती हूँ। नंबर 3, आपको अपना हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कुछ भी खाने से पहले या अपने फेस को टच करने से पहले अपने हाथ को बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, सैनिटाइज कर लेना है बहुत अच्छी तरह से, ताकि कोई हाइजीन फैक्टर ना रहे। यहाँ तक कि आप जो बर्तन में खा रहे हो या खाना पका रहे हो वो भी अच्छी तरह से स्टरिलाइज्ड होना चाहिए, ताकि कोई भी हाइजीन फैक्टर ना रहे। इवन आप अपने प्राइवेट पार्ट का भी ख्याल रखें और अपना हाइजीन वहाँ भी मेंटेन करें, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ गुड वाइब्स का एक बहुत अच्छा इंटीमेट हाइजीन वॉश मिलता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा है, एलोवेरा वाला। अल्स गुडनेस का भी मिलता है या दूसरे बहुत सारे ब्रांड्स का मिलते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, बट सारे चीज़ों के साथ अपने प्राइवेट पार्ट्स का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें।
नंबर 4 इज CTM। CTM के बारे में तो मैं अपने हर एक वीडियो में बताती हूँ कि CTM क्यों मेंटेन करनी चाहिए। क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, एक बहुत अच्छी जो जेंटल सा क्लिंजर हो वो आपको यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद जो आपके स्किन के अकॉर्डिंग जाते हो वैसा एक टोनर यूज़ करनी चाहिए, और उसके साथ एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र या कोई भी सीरम जो आप पसंद करते हो, आपके स्किन के साथ जाता है वैसा एक मॉइस्चराइज़र आपको यूज़ करनी चाहिए। ये एक डेली का प्रोसेस है, आप एक दिन भी स्किन स्कीप नहीं कर सकते, वो भी 2 टाइम्स, आफ्टर शावर एंड बिफोर स्लीप। आपको ये करना पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 5 मिनट भी नहीं लगता है आपको CTM फॉलो करने में, बस ये करो। आप अगर 7 दिन करोगे ना तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा, फिर आपका एक हैबिट हो जाएगा कि मैंने CTM नहीं किया है, कुछ तो ज़िंदगी में कुछ बाकी रह गया है, ऐसा आपको एक फीलिंग होगा। तो CTM ज़रूर फॉलो करना। नंबर 5 इज़ हेयर केयर। हेयर केयर के बारे में तो मैंने बहुत कुछ शेयर किया है, करेंटली मैं क्या हेयर केयर कर रही हूँ, क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, मैंने प्रीवियसली बताया है मेरे वीडियो पे जहाँ पे मैंने हेयर केयर रूटीन शेयर किया है, तो वो ज़रूर देख लेना। और हर एक सीज़न में आपके हेयर टाइप चेंज होते रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट परचेस करना पड़ता है या आपको प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ता है, DIY भी कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू योर हेयर चेंज और योर हेयर टाइप आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट मेंटेन करना है कि शैम्पू करना है, हेयर मास्क यूज़ करना है, कंडीशनर यूज़ करना है, हेयर शैम्पू के साथ कंडीशनर इज़ मस्ट, फिर ऑयलिंग करना है। जैसे कि मॉनसून का सीज़न चल रहा है तो मैंने बताया कि 15 डेज़ में एक बार ऑयलिंग करो, और वो भी शैम्पू करने के 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले, पूरे रात रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये था हेयर केयर। नंबर 6, बहुत ज़्यादा पानी पियो। ये एक मेडिसिन है जो आपको बनाएगा यंगर लुकिंग, आपके हेयर फॉल को कम करेगा, आपके स्किन में जो पिंपल्स के प्रॉब्लम्स रह जाते हैं वो दूर करेगा, आपके बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालेगा, डाइजेशन प्रॉब्लम में हेल्प करेगा, आपके स्किन के ब्राइटनेस बढ़ाएगा और ब्लड फ्लो भी बढ़ाएगा। आपके हेल्थ रिलेटेड सारे इशू के जो 70% सॉल्यूशन है वो है वाटर। सो आपको बहुत ज़्यादा वाटर पीनी है, जैसे कि हम लोग यही भूल जाते हैं, यही स्किप कर जाते हैं, तो एक रेगुलरली एक रूटीन कर लो कि सुबह उठ के सुबह आपको 2 ग्लास पानी पीना है, दोपहर को आपको 2 ग्लास पानी पीना है, और रात को भी आपको 2 ग्लास पानी पीना है। ऐसे करके करके बढ़ाते जाओ, पहले 2 ग्लास करके स्टार्ट करो, फिर 3 ग्लास में चले जाओ। तो ये क्या होता है, ये जो वाटर है ना, ये हमारे बॉडी के पेट्रोल की तरह है। जैसे कि पेट्रोल के बिना तो गाड़ी चलता नहीं है, जितना पेट्रोल होगा, फुल टैंक होगा तो और भी स्मूथ चलेगा, वैसे ही हम अगर वाटर लेवल को अपने बॉडी में ठीक रखेंगे तो हमारे बॉडी भी स्मूथ चलेगा और हमारी लाइफ। नंबर 7 इज़ नेल्स। देखो मेरा तो नेल्स है ही नहीं, क्योंकि मैं काट देती हूँ, मुझे ना पसंद नहीं आते हैं बड़े बड़े नेल्स, उसमें बड़े बड़े नेल पॉलिश, लाल नेल, नीला पीला, तो मुझे ये सब पसंद नहीं आता है, सच में एकदम ही पसंद नहीं आता है। बट ड्रेसेस के साथ मैच होता है तो कभी अच्छा सा मेकअप लुक कर लेती हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि क्यों मेरा नेल्स नहीं है तो अच्छा दिखता। तो इसी के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने आर्टिफिशियल नेल्स को ऑर्डर किया है, तो मैं जब मेकअप लुक करूँगी तो उसी के साथ लगा लूँगी, यही एक हो सकता है, और कुछ भी नहीं करना है। तो नेल्स आप हमेशा छोटे रख के, कोई भी आपका ओकेशन आ रहा है या पूजा आ रहे हैं या आपकी शादी आ रही है, आपके रिलेटिव्स के कोई शादी आ रही है या कोई प्रोग्राम आ रहा है, फैमिली प्रोग्राम आ रहा है, तो आप ज़रूर नेल्स रख सकते हैं, बट हमेशा आप नेल को ना काट के रखिए छोटे छोटे, तो आपके हाइजीन भी मेंटेन होती है, और नेल के अंदर जैसे फंस जाते हैं ना, खाना फंस जाते हैं, बाहर की धूल मिट्टी पॉल्यूशन फंस जाते हैं, वो आपके हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी के वजह से अगर आपके बड़े बड़े नेल्स है भी तो रेगुलरली उसको साफ़ किया कीजिए। वैसा होता है ना जो मैनिक्योर किट मिलता है या आपके जो नेल कटर्स के साथ ऐसा एक छोटा वाला चाकू मिलता है ना, उससे अपने नेल्स के अंदर ऐसे घुसा के ना रोज़ क्लीन किया करो। बाहर से नहीं दिख रहा है कि कोई भी गंदगी नहीं है, बट अंदर ये रह जाता है, पहले वो करके अपने हाथ को अच्छी तरह से साबुन से वॉश कर लो, फिर क्लीन हो गया आपका हाथ। नंबर 8, आपको करना चाहिए अपने फूट केयर भी, क्योंकि फूट केयर करना बहुत ज़रूरी है। कि पैर अच्छे नहीं दिखेंगे तो क्या अच्छा लगेगा, बोलिए तो नहीं लगेगा ना। तो अपने नाखून को बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लेना, अगर काटना चाहते हो तो काट लेना, अच्छा सा नेल पॉलिश लगाना चाहते हो तो वो भी लगा लेना, क्योंकि थोड़ी ना आप पैर से खा रहे हो तो आप लगा ही सकते हो, अपने आप को ग्रूम भी कर सकते हो।
और अगर आप पेडिक्योर नहीं कर रहे हो तो एक चीज़ ज़रूर कर सकते हो, जैसे कि आप शाम को टीवी देख रहे हो या रात को टीवी देख रहे हो, थोड़ा सा गर्म पानी में 2 चम्मच शैम्पू डाल के या लेमन डाल के अपने पैर को 10 मिनट से भिगो के रखो, और फिर कोई भी ब्रश के साथ या कुछ भी जो आपके घर में है घिसने जैसा कुछ चीज़ उसके साथ थोड़ा सा पैर को घिस के फिर अपने पैर को वॉश कर लेना। कोई भी क्रीम हो, निविया हो, बोरोलिन हो, जो भी आपके पास मॉइस्चराइज़र है उसको अप्लाई कर देना। टिप नंबर 9, अपने ड्रेसेस को हमेशा वॉश करना। जैसे कि अभी तो बताने वाला बात है ही नहीं कि अभी जब भी बाहर जा रहे हो, अभी तो कोरोना की वजह से घर आके फिर आपको ड्रेसेस वॉश करना पड़ ही रहा है, तो जिसके लिए मैंने कहा है कि ऐसे क्वालिटी का ड्रेस खरीदो जो आप बार बार वॉश करोगे भी तो ख़राब नहीं होगा, अच्छे क्वालिटी का कॉटन का ड्रेस खरीदो। वैसे ही आपको हमेशा आपके जो ड्रेस आप बाहर पहन के जा रहे हो या आप डेली घर में पहनते हो या आपके इनर वेयर्स हो, सारे चीज़ों को आप डेली वॉश किया करो। जो आप यूज़ कर रहे हो उसको रिपीटेडली यूज़ मत करना, क्योंकि उसमें हो जाते हैं स्वेट और जिसमें फॉर्म होता है बैक्टीरिया जो आपके स्किन के ऊपर तो हार्म करेगा ही और आपके फिर से हेल्थ इशू क्रिएट कर देगा, जैसे कि स्किन डिजीजेस हो सकता है, बॉडी स्मेल हो सकता है, कुछ भी। तो इसी के वजह से रेगुलरली अपना जो डेली वेयर है, इनर वेयर है, वो हमेशा वॉश किया करो। नंबर 10 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो कि है, हमेशा अपने लिए एटलीस्ट 15 मिनट्स निकालो, जो कि होगा आपका सेल्फ टाइम। तो ये सेल्फ टाइम आपको रेगुलरली मेंटेन करनी है, और ये सेल्फ टाइम जो 10 मिनट्स और 15 मिनट्स का है, उस टाइम कोई भी काम नहीं, कुछ भी नहीं, टीवी नहीं, कुछ भी नहीं, स्टडी नहीं, और कोई भी मेकअप नहीं या कुकिंग नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, पेडिक्योर मैनिक्योर स्किन केयर कुछ भी नहीं। सिर्फ वो टाइम आपके खुद के है, जब आप सिर्फ खुद बैठे रहोगे और अपने लिए सोचोगे कि आपको क्या करना है, आप क्या कर रहे हो ये सब, और हाथ पैर हिला के कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने आँखों पे स्ट्रेस डाल के कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट अपने माइंड में सोचो कि आपको क्या करना है, आप क्या कर रहे हो और आपको क्या अचीव हुआ है अभी तक। इसके लिए आपको 15 मिनट्स टाइम निकलना है और कुछ नहीं। तो यही था आज का 10 ग्रूमिंग टिप्स फॉर वुमेन। ज़रूर मेरे बात को फॉलो करना, ये कोई भी बड़ी बात नहीं है ये 10 टिप्स को फॉलो करना। अगर आप ये कर सकते हो ना, तो अब ज़रूर एक दिन अपने आप में ही बहुत खुश हो जाओगे और आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी रहेगा। सच में, मेरी बात मानो, सच में। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, क्योंकि ये स्पेशली फॉर वुमेन है। और अगर आपने मेरा ये वाला फॉक्सी मेकअप लुक इंस्पायर्ड बाय प्रियास ब्यूटी जोन नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, लास्ट वीडियो अपलोडेड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेरी गुड बाय, टेक केयर।